सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप DAVB इंदौर विश्वविद्यालय 2022 के लिए अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको ये DAVV MP Online ये टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश इसकी ये ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड रेगुलर प्राइवेट एटीकेटी एक्स ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपके सामने एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले एंटर एनरोल नंबर, आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो यहाँ पर इस बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट सेमेस्टर, तो इस पर क्लिक करके आप फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, यहाँ पर आप जो भी फर्स्ट सेम सेकेंड सेम जिस भी के लिए भी आपको निकालना है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट स्टेटस, तो यहाँ से आप प्राइवेट है या एक्स स्टूडेंट है या एक्स प्राइवेट या एटीकेटी प्राइवेट जो भी हो यहाँ से या रेगुलर है वो सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और ये गो वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही अपनी डिटेल डालेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर सेशन में अप्रैल 2022 के लिए है ये, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर फोटो साइन देख सकते हैं आपका, यहाँ पर स्टेटस में रेगुलर आ जाएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम नेम BSC रेगुलर सेकेंड ईयर, उसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज नेम लिखा रहेगा आपकी, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होना है आपका, एग्ज़ाम होना है वो सेंटर का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर फादर्स नेम मदर्स नेम, यहाँ पर आपकी पेपर डिटेल, तो यहाँ पर आपकी जो पेपर डिटेल है वो देख सकते हैं सारे जो पेपर है। उसके बाद में ये इंस्ट्रक्शन चाहो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको इसको यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे साइड में, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप DAVV इंदौर 2022 अप्रैल एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कीजिएगा जिससे आने वाली इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।